जो शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? शहाबुद्दीन जी तो कहते थे कि लालू हमारे परिवार हैं, इसीलिए ना मर गए। शहाबुद्दीन तो कहते थे तो इसीलिए ना मर गए। शहाबुद्दीन की क्या गलती थी कि उनका लाश तक नहीं आया? हम लोग टेस्ट कराए थे, निगेटिव था, पॉजिटिव था ही नहीं, कोरोना था ही नहीं, नहीं सर था ही नहीं। लालू यादव अपने परिवार को देखते हैं, काहे पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए? कि दलित समाज की 22% हिस्सेदारी है तो आपने कितने परसेंट सीख दिया? यही तो दुख की बात है कि जिसको हम परिवार मानते थे आप हमारे साथ साजिशें करते रहे। ये तो झांकी है और ये 25 बाकी है। जानते हैं हाथिया नक्षत्र जब चढ़ती है न चुपके से तो बहुत तूफान लाती है। कि कोई कैंडिडेट सिवान में नहीं है जो 2 लाख वोट ला दे, 2 लाख मैं दावा करता हूँ, और मैडम 6 लाख पार कर रही है, रिकॉर्ड बनेगा, गिनीज बुक में जाएगा। और उन्होंने लालू यादव को मरते दम तक नाम लेकर के राजनीति किया, लेकिन दुख है इस बात का बाबू, मरने के बाद आप शव को देखने तक नहीं जाते हैं, माटी में नहीं जाते हैं। भैया अभी हम सिवान जिले में मौजूद हैं और यहाँ पे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है कि नामांकन कर रही हैं। ये नामांकन करके ये दिखा दिए कि भाई टिकट के हम मोहताज नहीं हैं और हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या कमियाँ रहेगी कि आरजेडी परिवार ने इनको टिकट नहीं दिया? हिना साहब हम लोग खुद नहीं, हम लोग खुद पार्टिसिपेट, टिकट मिल रहा था लेकिन इग्नोर कर दिया। आखिर क्यों, क्या दिक्कत है? जो शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? शहाबुद्दीन जी तो कहते थे कि लालू हमारे परिवार हैं, इसीलिए ना मर गए। शहाबुद्दीन तो कहते थे तो इसीलिए ना मर गए। शहाबुद्दीन की क्या गलती थी कि उनका लाश तक नहीं आया? उनको तिहार भागलपुर 12-13 बरस के बाद, 12-13 साल जो आदमी जेल से रहा उसके बाद छूटा और एक सप्ताह में उसका बेल को तोड़ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट भेज के बेल को तोड़वा दिया जाता है, फिर तिहार जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ सेल में डाल के उनका सिस्टमेटिक ढंग से मृत्यु करा दिया जाता है और लाश भी नहीं आता है, तो क्या हुआ? सरकार तो कहती है कोरोना में उनकी जो है कि जान दीजिए। हम लोग तो उसको रिपोर्ट कराए थे ना, हम लोग टेस्ट कराए थे, निगेटिव था, पॉजिटिव था ही नहीं, कोरोना था ही नहीं, नहीं सर था ही नहीं, साजिश के तहत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप आरजेडी के कार्यकर्ता है तो आरजेडी में जो है कि अवध बिहारी चौधरी को आपको सपोर्ट करना चाहिए? कहां करेंगे, हम शहाबुद्दीन के साथ हैं, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, सिद्धांत के साथ रहते हैं, जो परिवारवाद चलाता है वो देखे। आप बताइए लालू यादव क्या पर? लालू यादव अपने परिवार को देखते हैं, काहे पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए? पप्पू यादव अच्छे खासे वोट से वहाँ पे समर्थन मिल रहा है, समझ लीजिए। अगर इनका पावर होता तो पप्पू यादव को हरा नहीं देते। तो पप्पू यादव क्यों नहीं टिकट दिए? रीतलाल यादव को क्यों नहीं टिकट दिए? मीसा भारती को क्यों टिकट दे दिए? मीसा भारती ऑलरेडी राज्यसभा मेंबर है, अभी उनका 5 साल का टर्म बचा हुआ है, तो फिर दोबारा 5 सालों में यहाँ पे सिवान में क्या हुआ है? कविता जी ने क्या किया है सिवान? हमको तो कुछ नहीं लगता है, जो की होंगी थोड़ा बहुत की होंगी, लेकिन मेजर कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। अवध बिहारी चौधरी को 2-2 बार टिकट नहीं दिएगा, इस बार दिया गया, आखिर क्या वजह रह गई? क्या वजह हो गई? अवध बिहारी चौधरी जाने है, ऊपर का हाई कमान जाने है। सर कहा जाता है कि जो आरजेडी है वो मुस्लिम और यादव की पार्टी है, आखिर वो अब ऐसा नहीं रहा? हाँ। अब ऐसा नहीं रहा, ऐसा वो लोग करवे नहीं किया। ये कहाँ का जरूरत है, मुसलमान आपके यहाँ झाड़ू लगाएगा? बोले थे कि जिसकी जितनी आबादी रहेगी उसकी उतनी भागीदारी देंगे, कितना सीट मिला मुस्लिम? 8 सीट दिया है पार्लियामेंट में। सुनिए, दलित समाज की 22% आबादी है, कहते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, समाजवादी लोग हैं, सारे जाति धर्म को लेकर चलने वाले है, जिसकी जितनी संख्या भारी इसको इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। ये बताइए, दलित समाज की 22% हिस्सेदारी है, मेरा नाम नागेंद्र माझी हुआ। अच्छा। मेरा हक बनता है ये पूछने का कि दलित समाज की 22% हिस्सेदारी है तो आपने कितने परसेंट सीख दिया? 2 से 3 सीट आपने दलित समाज को दिया है, मुस्लिमों 14% है, जिसके 14% है उसको आपने 10 सीट दिया। हाँ। तो ये कहाँ से आप ये आप देख रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी कहाँ से? सौर समाज जनगणना किस बात का हुआ था? नहीं, उन्हीं से पूछिए ना, अपने समाज को आप बढ़ाने के लिए किए थे। एक खास खर्चा हुआ जनगणना में, तो वही तो कह रहे हैं कि जनगणना में खर्चा किया, जनगणना के हिसाब से आप दीजिए ना। अपने हम अपने घर का हिस्सा बांटेंगे तो हम कहते हैं कि सभी लोग हमारे हैं, अब बांटेंगे तो आधा से ज्यादा हम अपने ले लेंगे, बाकी में सबको देंगे। अच्छा, 39 लोकसभा सीट बीजेपी को गया बिहार से, बीजेपी वालों ने बिहार के लिए क्या किया? देखिए, बीजेपी वालों से हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिवान की बात करेंगे।
हम सिवान क्या हुआ है वही उन्हीं के तो सांसद हैं। तो वही तो कह रहे हैं सिवान में जो सांसद रहे हैं 15 सालों से, सिवान की बात करते हैं आप, बीजेपी मतलब 39 सीट आप पूरे बिहार की बात की है, हम सिवान की बात करते हैं कि 15 सालों में इस सिवान में कुछ नहीं हुआ है। राजेंद्र स्टेडियम, डीएबी कॉलेज, इंदौर स्टेडियम, ढाला और इनानी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी आप देख रहे हैं सिवान में, ये साहब का दिया हुआ है। और आज तक साहब के जो काम किया हुआ है उससे आगे कुछ बड़ा ही नहीं सिवान, सिवान वहीं पे ठप पड़ा है। देख रहा है कि हमको इस विकास की गति को कोई ढकेल दे, कोई आगे बढ़ाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ जो इस विकास की गति को आगे बढ़ाए। और 15 सालों से सिवान के लोग उब चुके हैं, इनके जाति धर्म के राजनीति करते करते देखते देखते उब चुके हैं। अब की मन बना लिया है कि जो साहबुद्दीन साहब 15 सालों का विकास जहां करके और छोड़ के गए थे, वो विकास वहीं रुका हुआ है, उस विकास को रफ्तार देने के लिए, हिना साहब को जिताने के लिए सारे लोग एकजुट हो गए। आरजेडी परिवार को साहबुद्दीन जी अपना परिवार मानते थे, फिर एक टिकट के लिए का है मोहताज कर दिया गया हिना साहब। नहीं, यही तो दुख की बात है कि जिसको हम परिवार मानते थे आप हमारे साथ साजिशें करते रहे, हम साजिश का शिकार होते रहे और आप करते रहे। क्या दिक्कत क्या है लालू परिवार को इस परिवार से, हिना परिवार? नहीं, दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि सिर्फ दिखावा एक रखना था, एक इनको जीतने नहीं देना था, यही दिक्कत था, इनको आगे नहीं बढ़ने देना था। नहीं तो जिस तरह से साहब ने राजद के लिए काम किया, एकजुट किया सिवान में, जितना विधायक आप देख रहे हैं सब साहब के ही देन है, लेकिन फिर भी उनको इग्नोर किया गया, उनको किनारा किया गया, उनको कद घटाने के लिए। कुछ और लोग है बात करेंगे जी। ये तो झांकी है और ये 25 बाकी है। बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, जानते हैं हाथिया नक्षत्र जब चढ़ती है ना चुपके से, हाँ। तो बहुत तूफान लाती है, हाँ। तो ये हाथिया नक्षत्र का ये मजमा है, शुरुआत है, शुरुआत है, तूफान आएगा, तूफान। बहुत लोग देख रहे हैं बैंड बाजा, हाथी घोड़ा, 100-100, 200-200 गाड़ी लेके आ रहे हैं। ये हम लोग सब देख कर थक चुके हैं, हाँ। इस बार मौसम को देखते हुए और जनता की आवाज को देखते हुए और हिना साहब का आदेश हुआ कि सादगी तरीका से नामांकन होगा, प्रस्ताव कहेंगे, हम प्रस्तावक हैं, हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, एक चीज कॉमन देख रहा, आप लोगों के सर पे जो है कि चंदन का टीका है, माथे पे टीका। कहा जाता है जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग जो है कि हिना साहब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप लोग जो है कि हिंदू धर्म से आते हैं। हिंदू धर्म से आते हैं और पूजा करना हमारा आस्था का प्रतीक है, हम आस्था के प्रतीक सुबह उठे पूजा किए, हमारी पत्नी भी करती है, हम प्रस्तावक हैं, हमको बुलाया गया, हम आए हैं। एक चीज बताइए, हम मुस्लिम कोई बहुत संख्या में, बाहुल संख्या किनका है यहाँ? हिंदू का, हिंदू ही देख रहे हैं, हिंदू का है, सारे लोग चंदन टीका लगाए हैं। कोई मैडम के पास हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, मानवता एक धर्म है, मानव मानव एक है, मानव धर्म एक है, इस आधार पर मैडम किसी जात में नेक इंसान को एक टिकट काहे नहीं दिया, काहे मोहताज कर? टिकट नहीं ली मैडम, टिकट नहीं ली, टिकट देने वाले बहुत लोग थे, नहीं इग्नोर कर दी टिकट, इसलिए कि टिकट पर हम लड़ चुके हैं, 3 बार हार गए हैं, इस बार निर्दल लड़कर देखेंगे। और सवाल यह है बाबू कि कोई कैंडिडेट सिवान में नहीं है जो 2 लाख वोट ला दे, 2 लाख मैं दावा करता हूँ, और मैडम 6 लाख पार कर रही है, 6 लाख वोट पार कर रही है, निर्दलीय, ये तो रिकॉर्ड बन जाएगा, रिकॉर्ड बनेगा, गिनीज बुक में जाएगा, इतना वोट निर्दलीय किसी को आज तक नहीं मिला है, नहीं मिला है। हम कहते हैं कि बिहार नहीं देश का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, यानी यहाँ पे जाति फैक्टर नहीं चलेगा, कोई जाति फैक्टर नहीं, कोई जाति, देखिए बनिया, धोबी, चमार, दुसाद, भूमिहार, ब्राह्मण, सारे लोग हैं, सभी लोग हैं, आज सारा समुदाय उठ चुका है। एक बार देहात में निकल कर देखिए, आधी चल चुका है हिना मैडम का। अच्छा, पिछले 15 सालों में सिवान में क्या विकास हुआ है? 15 सालों में जो साहबुद्दीन साहब करके गए उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, रंगाई पोताई तक नहीं हुआ, नहीं हुआ है उनके किए हुए कार्यों का, उनके किए हुए कार्यों का तो अभी मैंने कहा जीर्णोद्धार तक नहीं किया जाए। विश्वास में लोग उनको वोट दिए, क्यों वोट दिए, 15 साल क्यों रखे उनको? मोदी जी के नाम पर लोग वोट किए थे, लालू जी के नाम पर जैसे 15 साल चला, मोदी जी के नाम पर चलते रहा। अच्छा जी, लेकिन इस बार मोदी फैक्टर नहीं चलेगा, सिवान में नहीं है, बदलाव होगा, यहाँ हिना फैक्टर चलेगा, केवल हिना फैक्टर। अच्छा, देखिए इतना गर्मी है, लोग देख रहे हैं जो है कि बाहर तड़प रहे, किसी को पानी तक पीने का नहीं मिल रहा, दूसरे जो नॉमिनेशन में लोग आए, हाँ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना खा पी कर आए हुए हैं, अपना पानी आ रहा है, हम लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, मैडम के इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, लालू परिवार को अपना परिवार मानते थे जो है कि ये साहबुद्दीन जी, आखिर वो परिवार इनसे कहाँ अलग हो गया? देखिए साहबुद्दीन साहब जब तक जिंदा थे सिवान में राजद बहुत मजबूती
से काम करता था और साहबुद्दीन साहब एक ऐसा व्यक्ति थे जो सभी जाति को लेकर चलते थे, उनका नाम राजद था। एक लाइन इस बात पर बोलेंगे आपके, साहबुद्दीन साहब भागलपुर से जब निकले, आप जैसे पत्रकार बंधु ने पूछा कि साहब आप कहाँ जाएंगे, पटना या सिवान, सरकार हमारी चल रही थी ना महागठबंधन की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने क्या कहा, पटना नहीं सिवान, नेता से नहीं मिलिएगा, पत्रकारों ने पूछा कौन नेता, नीतीश कुमार गया कि नहीं, वो परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है, नेता हमारे लालू हैं। और उन्होंने लालू यादव को मरते दम तक नाम लेकर के राजनीति किया, लेकिन दुख है इस बात का बाबू कि मरने के बाद आप शव को देखने तक नहीं जाते हैं, माटी में नहीं जाते हैं, घर पर पुछार करने नहीं आते हैं, यही आपकी मानवता है, आप हमारे पिता हैं, हम आप तो गार्जियन तो मानते थे, लालू परिवार को इतनी ताकत रही थी कि उनकी बॉडी को सिवान में हाँ ला सकते थे, लेकिन लोग नहीं लाए, कहाँ है, क्या दिक्कत है उनको, पता नहीं कि कोई एक मुसलमान आगे बढ़ जाएगा, यही हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी तक जाकर पूछ सकते हैं उनसे, ये बात तो अभी तक जाकर उनसे पूछ सकते हैं, आप फिर लोग इस मुद्दे पर कुछ बोलते ही नहीं हैं, उनसे बुलवाइए, बोलिए कि आप लोग गुंग है, आपका कंठ नहीं है, बात जो हम बोल रहे हैं, सिवान बोल रहा है कि आप साबुन के नहीं हो सकते हैं, कमलेश बैठा है, क्या हो गया, मतलब यहाँ पे सारे धर्म के लोग आए, सारे धर्म के लोग, सारी जात के लोग आए हुए हैं, चमार, दुसाद, बनिया, धोबी, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार का सारे लोग। अच्छा हिना साहब जहाँ पे जाती हैं, क्या किसी एक धर्म के पास जाती है, शादी विवाह होता है, एक गांव में हम 10 रोज से माने धर्म के पास के लोग आ जाते हैं, वो जाति नहीं है, सभी धर्म के लोग वहाँ के पास आ जाते हैं, सुनिए हम बताते हैं, जो देहातों में कार्यक्रम लगता है, एक गाँव में एक जगह सारे लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, हमारे जैसे आपके जैसे वर्कर लोग आए, सारे लोग को नाश्ता पानी कराना, खिलाना पीना, भाषण देना, फिर दूसरे पॉइंट पर, तीसरे पर, एक दिन में 10-10 कार्यक्रम लेती है मैडम, एक लेडीज होकर के, और लेडीज होकर के, आयरन लेडी, इनको आयरन लेडी कहा गया है। उसके बाद से जो है कि इस बार चुनाव मैदान में बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से नॉमिनेशन आप लोग कर रहे हैं, जी शांति के बाद तूफान आता है बाबू, वोट का तूफान आएगा। चलिए बाकी लोकसभा सिवान जो है कि ये भी जो है कि काफी हॉट सीट बन चुका है, यहाँ से जो है कि हिना साहब जो है कि निर्दलीय चुनाव मैदान में है, नॉमिनेशन आज कर रही हैं, यहाँ से कौन जीतेगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में ये लोकसभा सीट जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।